कई लोगों वालों पैसे कमाने के लिए कई तरह के गलत रस्ते अपनाए जाते हैं। इन्हां लोगों खिलाफ नज़र रखने लिए पुलिस वालों भी कई कदम चुके जाते हैं। इस तरह पुलिस वालों कार्रवाई करते हुए हरियाणा के रोहतक तो ट्रेन राही चांदी दियां इट्टां लिया रहे व्यक्ति नूं गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने इस व्यक्ति तो 48 चांदी दियां इट्टां बरामद कीतियां ने। पुलिस ने दस्सिया कि गिरफ्तार व्यक्ति कोलों बरामद चांदी संबंधी कोई भी कागज पेश नहीं किया गया, जिस तों बाद पुलिस वालों रिपोर्ट तैयार करके उच्च अधिकारियों नूं भेज दी गई है। ये सर अज ना सुबह अज सवेरे 3 बजे पौने 3 बजे ट्रेन आई दिल्ली तो, साढ़े एस एच साहब मलकीत सिंह मान योग श्री एम एफ फरूकी श्री ईडी साहब तो श्री अजय मलूजा ये सब सब डिविजन अफसर सरदार जगमोहन सिंह डी एस पी साहब दे दिशा निर्देशों से मुख मन मुख अफसर ने इन्हों कर्मचारियों को चैकिंग भेजा सगा। चैकिंग दौरान चिन्नी महम दौरान इन्होंने चैकिंग किए मुलायमों ने एक शख्स जो इन्होंने देख के नीचे उतर गड्डी भजन लग गया, मौके काबू किया इन्होंने। वह नाम है जी चंदन चंद्रकांत है, महाराष्ट्र का ही पर रहा उ जी इतने रहने वाला है। ठीक है, ये जो बैग तलाशी ली तलाशी विचों चांदी के इटा जो हुए हमने पे ये बराबर हुई जी ये कोई ये कुल 48 पीस ने जी ये बाकी कहो नाल भी जोड़े पैकेट पै मणक मणकियों का पैकेट पाई फिर इन्हों का इन्होंने कोई डाकूमेंट पेश किया साढ़े भी एसी ना ही थाने मेरे भी मैं मंगाया सगा भी कोई डाकूमेंट पेश कर सके कोई यदा भी बिल वगैरह कोई यदा भी जो लैके आने चांदी रोहतक तो लैके आए जी ये टिकट है इन्होंने रोहतक की सरूर तक की जी वो इस कब्जे लिए है। इस संबंधी असी रिपोर्ट जा करके ना ही ईडो साहब भेज चुके हैं, वो जो भी इन्हों जुर्माना वगैरह पाएंगे इन्होंने उन्होंने वगैरह कार्रवाई की जाने। जो इस बारे गिरफ्तार व्यक्ति नाल गलबात की गई तो उसने कहा कि उस कोल चांदी की खरीद संबंधी बिल मौजूद सी पर वो पुलिस नूं मौके ते बिल नहीं दिखा सकया। उसने कहा कि वो चांदी खरीदने लई करीब 24 लाख रुपए रोहतक लेके गया सी। चंद्रकांत जी जिहड़ी अज तुहाडे कोलों की मसला तुसीं थाने च लेके आए ने तुहानूं चांदी वाला मसला सी उच्ची बोलो चांदी वाला मसला सी किन्नी चांदी लेके आ रहे सी चांदी है कि 40 किलो अंदाजे कोई 24-25 के करीब है। वो भी ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ? ਹਾਂਜੀ। ਕੈਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ? ਕੈਸ਼। ਦੁਕਾਨ ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ? ਮੰਡੀ ਵਾਲੀ ਗਲੀ ਚ। ਕਿੱਥੇ ਮੰਡੀ ਵਾਲੀ? ਮੰਡੀ ਗਲੀ ਚ। ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਚੋਰੇ ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ? ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਦੀ? ਦੁਕਾਨ ਮਤਲਬ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਾਰੀਗਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਉੱਥੇ? ਰੋਹਤਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਊ ਨਾ ਰੋਹਤਕ ਤਸਵੀਰ। ਰੋਹਤਕ ਆਪਣਾ ਸਪਲਾਈ ਕੌਣ ਕਰਦਾ? ਉਹ ਅੱਗੇ ਉੱਥੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹੜਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ? ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ? ਉਹ ਵੀ ਕਾਰੀਗਰ ਇਸਤਰੀ ਬੱਠੇ ਨੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਆ ਰੋਹਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਰੋਹਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ? ਫੋਨ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਦੱਸੋ ਸਰ ਅੱਗੇ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਮੁੱਕੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੈਸ਼ ਲੈ ਗਏ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੀ? ਉਹ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਸੀ ਕੈਸ਼। ਇੰਨਾ ਕੈਸ਼ ਦੱਸਦੀਏ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਚਾਂਦੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
जिस तों बाद इस मामले विच कई वड्डे खुलासे होने की उम्मीद की जा सकती है। संगरूर तो संजीव गोयल, पंजाबी लोक चैनल।